जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 27 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए विज्ञान विषय के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने चित्रकला विषय का पेपर अच्छे से किया होगा, जैसा कि आपके कमेंट भी आए हुए थे। अब बारी आती है विज्ञान विषय को तैयार करने की, तो मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपको विज्ञान विषय के बहुविकल्पी प्रश्न बताए जाएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को भी बताया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैंने लिया है बहुविकल्पी प्रश्नों को, तो आप क्या करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जैसा कि आप करते नहीं है शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों में। यहां पर पहला प्रश्न है क्लोरोफिल अवशोषित करता है, विकल्प पहला है जल का, दूसरा है खनिज लवण का, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा का, चौथा है ऑक्सीजन का। तो क्लोरोफिल जो होता है यह किसको अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है जठर रस स्रावित होता है, जठर रस कहां से निकलता है स्रावित होता है, पहला विकल्प है अग्नाशय से, दूसरा है पित्ताशय से, तीसरा है अमाशय से, चौथा है यकृत से। तो जठर रस जो होता है यह कहां से स्रावित होता है यानी निकलता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जठर रस जो है अमाशय से निकलता है, कहां से, अमाशय से निकलता है, यहां पर आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, यानी मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, पहला विकल्प है यहां पर एक, दूसरा है दो, तीसरा है तीन और चौथा है चार। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं यानी कितने भाग होते हैं, चार होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है, पहला है विकल्प यहां पर सिराएं, दूसरा है विकल्प महासिरा, तीसरा विकल्प है दायानिलय और चौथा विकल्प है महाधमनी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य कौन करती हैं, महाधमनियां करती हैं, यानी महाधमनी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगला प्रश्न कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किस लिए उत्तरदायी है, पहला विकल्प है जल का वहन करने के लिए, दूसरा है भोजन का वहन करने के लिए, तीसरा है अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए या फिर ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो पादप जाइलम उत्तरदायी होता है यानी पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन करने के लिए यानी जल का वहन के लिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का रूपांतरण होता है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का रूपांतरण कैसे होता है या किस रूप में होता है, पहला विकल्प है यहां पर सुक्रोज के रूप में, दूसरा है विकल्प प्रोटीन के रूप में, तीसरा है हार्मोन्स के रूप में और चौथा है वसा के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का रूपांतरण होता है, कैसे होता है या किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है पादपों में जाइलम का कार्य होता है, पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है, यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, दूसरा है जल का संवहन, तीसरा विकल्प है यहां पर भोजन का संवहन और चौथा है अमीनो अम्लों का संवहन। तो राइट आंसर होगा पादपों में जाइलम का कार्य होता है, क्या कार्य होता है, जल का संवहन, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल का संवहन। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप जरूर पढ़कर जाइएगा बोर्ड परीक्षा देने के लिए, यानी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है
हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को ही इस वीडियो में लिया है जो कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं और इधर उधर से कोई भी प्रश्न नहीं लिया है, यानी जो पूछे नहीं गए उन प्रश्नों को मैंने नहीं लिया है, वही प्रश्न है यहाँ पर जिन्हें बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और आप सभी से एक निवेदन है कि आप जो है कल सुबह, यानी आप ध्यान देंगे कल सुबह 27 फरवरी को आपको विज्ञान विषय का पेपर देने जाना है, उससे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्नों से रिलेटेड जो है वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, महामैराथन वीडियो होगी, फटाफट आपको आंसर बताऊंगा, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न आएंगे। तो कमेंट करके आप सभी लोग बताएं कि आपको वीडियो देखना है अथवा नहीं देखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, कह क्या रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पहला विकल्प है पेप्सिन, दूसरा है एमिलेज, तीसरा है ट्रिप्सिन और चौथा है लाइपेस। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एमिलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर, जड़ों में, रंध्रों में, वात्र रंध्रों में या उपरोक्त सभी में। तो द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर क्या है, रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, कैसे होता है, यहां पर आप ध्यान देंगे पहला विकल्प है अग्नाशय, दूसरा विकल्प है यकृत, तीसरा विकल्प है अमाशय और चौथा विकल्प है ब्रक। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहां होता है, यानी किसमें होता है, तो यकृत में होता है, राइट आंसर क्या होगा, यकृत सही है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्रश्न कह रहा है क्या कि मुकुलन पाया जाता है, कहां पाया जाता है, प्लेनेरिया में या हाइड्रा में या लेस्मानिया में या इनमें से सभी में। तो राइट आंसर क्या होगा, मुकुलन पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, प्लेनेरिया में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न का जो है विकल्प क्या है, पहला तना, दूसरा पत्ती, तीसरा जड़, चौथा प्रकलिका। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है तना हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, एसिटिक एक दुर्बल अम्ल है और इसके जो है विकल्प हैं क्या, पहला विकल्प है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, दूसरा विकल्प है यह एक कार्बनिक अम्ल है, तीसरा विकल्प है इसके आयनन की मात्रा कम होती है और चौथा विकल्प है यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि एसिटिक एक दुर्बल अम्ल है, क्यों, क्योंकि इसके आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, यहां पर ये वाला तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, पेय जल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी जो पीने वाला योग्य जल होता है, पीने वाला पानी, उसे जीवाणु रहित कैसे किया जा सकता है, क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर पहला विकल्प है CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा विकल्प है CaCl2 और तीसरा विकल्प है CuCl2, चौथा विकल्प है CaCO3। तो राइट आंसर क्या होगा, पेय जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, CaOCl2 प्रयोग किया जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला विकल्प है यहां पर सोडियम क्लोराइड, तीसरा विकल्प यहां पर है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा विकल्प है सोडियम कार्बोनेट और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। आप सभी जानते हो इस प्रश्न का आंसर, और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट करके भी बताते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है, पहला विकल्प है NaCl, दूसरा विकल्प है यहां पर NaHSO4,
और तीसरा विकल्प है यहाँ पर Na2SO4 और चौथा विकल्प है KCN। तो राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है कौन सा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा NaHSO4 दूसरा वाला विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, पहला विकल्प है यहाँ पर क्लोरीन, दूसरा विकल्प है ओजोन परत, तीसरा विकल्प है ऑक्सीजन परत और चौथा विकल्प है हाइड्रोजन परत। तो कौन सी परत है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ओजोन परत हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी जानते हो, पहला विकल्प देख लीजिए घास गेहूं तथा आम, दूसरा विकल्प है घास बकरी तथा मानव, तीसरा विकल्प है यहाँ पर बकरी गाय तथा हाथी और चौथा विकल्प है घास मछली तथा बकरी। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाता है, ऐसे ही आहार श्रृंखला का निर्माण होता है, यानी ऐसे ही ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, पहला है विकल्प यहाँ पर पवन ऊर्जा, दूसरा विकल्प है सौर ऊर्जा, तीसरा विकल्प है कोयला यानी पेट्रोलियम और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर चौथा विकल्प देख लीजिए जल विद्युत। राइट आंसर क्या है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला अर्थात पेट्रोलियम। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, पहला विकल्प है यहाँ पर केवल चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है केवल विद्युत क्षेत्र, तीसरा है चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। राइट आंसर इसमें से कौन सा सही है कि एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है क्या चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ उन्हीं को मैंने इस वीडियो में लिया है, बाकी इधर उधर के फालतू प्रश्नों को शामिल नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, पहले विकल्प पढ़ लीजिए, पहला है यहां पर रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा विकल्प है यहां पर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तीसरा विकल्प है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और चौथा है विकल्प वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वैद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है क्या विद्युत ऊर्जा को, यहां पर होगा आंसर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है देवर किस राशि का मात्रक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, दूसरा विकल्प है चुंबकीय फ्लक्स का और तीसरा विकल्प है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चौथा विकल्प है यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वेवर किस राशि का मात्रक है, तो यहां पर राइट आंसर है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध का मात्रक होता है, पहला है विकल्प ओम, दूसरा है विकल्प ओम प्रति मीटर और दूसरा के बाद तीसरा विकल्प है ओम मीटर और यहां पर चौथा है मीटर प्रति ओम। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या है, तो यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है कूलाम, दूसरा विकल्प है एम्पियर, तीसरा विकल्प है यहां पर जूल और चौथा विकल्प है ओम। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैद्युत धारा का मापन किया जाता है किससे, वोल्ट मीटर से, अमीटर से, गैल्वेनोमीटर से या ऊर्जा मीटर से, तो वैद्युत धारा का मापन किया जाता है किससे, अमीटर
से किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकांश होता है, यहां पर आप देखोगे पहला है विकल्प लाल रंग के लिए, दूसरा है विकल्प यहां पर आप देख रहे हैं पीले रंग के लिए, तीसरा विकल्प है बैंगनी रंग के लिए और चौथा है यहां पर हरे रंग के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर जरूर कर देना, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, इसके अतिरिक्त जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन्हें भी आपको तैयार करना है। तो यहां पर आप देख रहे हो अगला प्रश्न क्या है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कब होता है, पहला विकल्प है लाल रंग के लिए, दूसरा है पीले रंग के लिए, तीसरा है बैंगनी रंग के लिए और चौथा है हरे रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का, इस प्रश्न का राइट आंसर है बैंगनी रंग के लिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो यहां पर आप देख रहे हो पहला है विकल्प वायु, दूसरा है विकल्प जल, तीसरा विकल्प है यहाँ पर कांच और चौथा विकल्प है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा निर्वात। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा पहला विकल्प है वोल्ट, दूसरा विकल्प है वाट, तीसरा विकल्प है एम्पियर और चौथा विकल्प है यहाँ पर ओम। तो वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ओम हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कह रहा है समजात अंगों का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर पहला विकल्प है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, यहाँ पर दूसरा विकल्प है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, तीसरा विकल्प है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है क्या कहलाती है, पहला है विकल्प इकोलॉजी, दूसरा है विकल्प एथोलॉजी, तीसरा विकल्प है यहां पर पहली ऑन्टोलॉजी और चौथा विकल्प है यहां पर ध्यान दीजिएगा बायोलॉजी। तो राइट आंसर क्या होगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, यहां पर राइट आंसर है आप ध्यान दीजिएगा पहली ऑन्टोलॉजी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है प्राकृतिक वरण से, दूसरा विकल्प है उत्परिवर्तन से, तीसरा विकल्प है यहां पर प्रसंस्करण से और चौथा है विकल्प यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों उपार्जित लक्षणों से। तो राइट आंसर क्या होगा, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है इसका जो है आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है डीएनए पाया जाता है कहां पाया जाता है, पहला है विकल्प कोशिका द्रव्य में, दूसरा विकल्प है केंद्रक द्रव्य में, तीसरा विकल्प है केंद्रिका में और चौथा विकल्प है केंद्रक में। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, डीएनए कब पाया जाता है यानी डीएनए कहां पाया जाता है, राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों केंद्रक में पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है या आपको बताना है, पहला है विकल्प वृक्क में, दूसरा विकल्प है यकृत में, तीसरा विकल्प है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्लीहा में और चौथा विकल्प है हृदय में। तो मूत्र का निर्माण होता है कहाँ होता है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का, वृक्क में, मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, एक अश्वशक्ति बराबर है किसके बराबर है, 726 वाट के, 736 वाट के, 746 वाट के या 756 वाट के। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि एक अश्वशक्ति बराबर है किसके, 746 वाट के बराबर होता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, पहला है विकल्प लाल रंग के लिए, दूसरा विकल्प है पीले रंग के लिए, तीसरा विकल्प है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कह रहा है विकल्प क्या है हरे रंग के लिए और चौथा है यहां पर नीले रंग के लिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, राइट आंसर क्या है लाल रंग के लिए।
अगला प्रश्न है, सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो यहां पर देखेंगे आप पहला विकल्प है 25 सेंटीमीटर, दूसरा है यहां पर 50 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 सेंटीमीटर और चौथा है अनंत पर। तो यहां पर सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर राइट आंसर है यहां पर कौन सा, अनंत पर। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि यहां पर दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे या नेत्र लेंस पर। तो राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है कहां पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, पहला है विकल्प 42, दूसरा है 44, तीसरा है यहां पर आप देखेंगे 46 और चौथा है 48। तो आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको साइंस में बताऊं आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।